हो गया एक्सरसाइज ठीक है सर। मैं जब छोटा था तो मैंने एक देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी बेंच मार रही है जो आज तक मार नहीं पाया। ये मैं तेरे चैनल पर अपने तक चैनल पर अभी तक बताया नहीं है मैंने। एक बार ही जीतना बहुत आसान है, उस जीत को बरकरार रखना असली वहां पे पता चलता है प्लेयर का माइंड सेट। तो अभी आखिरी सेट लगा रहा था हैमर, यहाँ देख रहा हूँ नीचे दिखा क्या सर छोटा डम्बल ही नहीं है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फाइनली बोला था जैसे मैंने गुरु जी के जिम में आया हुआ हूँ, फ्री बना रहा हूँ, गुरु जी भी आए हुए हैं, भास्कर भाई भी हैं, जैसा मैंने बोला था वो बात निकलेगी निकलेगी। दो दोस्त को फ्री डालो पिएगा ना, वो बात निकलेगी निकलेगी वहाँ पे जो भी कांड हुआ था। तो अब अपना ट्रेनिंग चालू कर रहा हूँ, आज यहीं पे बैक लगाऊंगा, वेट देखता हूँ शायद लगा पाऊँ या नहीं लगा पाऊँ। ट्रेनिंग चालू करते हैं, बीच बीच में आपको दिखाते हैं और लास्ट में गुरुजी से जाने से पहले गुरुजी से मिलवा पाऊँ आपको। थ्री गोल लिया ली पीता हूँ, बस से सीधा चालू करता हूँ। तो भी रोइंग लगा रहा था और 120 तक रोइंग लगाया, मगर कुछ खाया नहीं, थोड़ा फटीक लग रहा था। तो बीसी डबल डाला हूँ एक फास्ट एंड अप का, आप चाहो तो इसकी वेबसाइट से जाकर ले सकते हो, मेरे कमेंट पर लगा सकते हो। इसके बाद अब डेड लिफ्ट सोच रहा हूँ, एक कॉन्वेंशनल ग्रिप डेड लगा लूँ थोड़ा बहुत, 200 तक भी ले लूँगा तो बहुत ही ना बॉडी फटा हुआ है, थोड़ा फटी हुआ भी तो लगा लेता हूँ। यहाँ आया हूँ तो भाई थोड़ा बहुत तो लूँगा ही, तो उसको ले लेता हूँ। उसके बाद फिर ट्रेनिंग करता हूँ डेड लिफ्ट। जीत का जश्न मनाना चाहिए और पहली बार जीतना आसान होता है, उस जीत को बरकरार रखना मुश्किल होता है और उसी में प्रेशर आता है। इसलिए सही रियलिटी बता रहा हूँ, किसी भी फालतू में मतलब करने से पहले हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई देखो आजकल ट्रेंड बन गया हवाबाजी का, तो ट्रेंड सोशल मीडिया का, ठीक है। तो भाई वो तो अपनी मर्जी है, आप क्या सोचा कि क्या आपने सोचा, बस मेरा ये कहना है कि किसी भी गेम के लिए, चाहे पावर लिफ्टिंग हो चाहे कोई भी गेम हो, एक बार ही जीतना बहुत आसान है, उस जीत को बरकरार रखना असली वहां पे पता चलता है प्लेयर का माइंड सेट और क्या नाम से कि जो प्रेशर वो होल्ड कर सकता है। 9 बार स्ट्रॉन्गमैन बन चुका हूँ, मुझे पता है जब मैं पहली बार खेलने गया था तो बिल्कुल खुल के खेल रहा था, जीता था ना 2015 में, 15 ही में हाँ, जब मतलब पहली बार जीता दूसरी बार जीता बड़ा चिल होकर जाता था। अब जाता हूँ ना तो अब एक ये रहता है कि हाँ भी लोग मुझे देखने आए हैं, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे मतलब वो प्रेशर होता है माइंड पे, तो इतना पागल नहीं होना चाहिए एक दो बार जीत के, मतलब कंसिस्टेंट रहना। तो भाई शांति से गेम करो, गेम करनी है वो अलग चीज़ है, हवाबाजी करनी है वो अलग चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ कभी भी मुझे ये दिखा देना जो हद से ज़्यादा हवाबाजी कर रहा वो गेम बढ़िया कर, रियलिटी बता रहा हूँ। जिसको गेम बढ़िया करनी है ना उसको शांत होना पड़ेगा। नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जब तक वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना था वो जानते थे लोग उसकी हाईलाइट, इतना हाईलाइटेड नहीं था, पर वो सोशल मीडिया पे कभी भी देख लो आज सारी चीजें डालता है, अपने आप को प्रमोट करता है, सब करता है, सब शांति से बैठा हुआ। मैं 4-5 बार स्ट्रॉन्गमैन बन गया, मैं कुछ भी मेरा कुछ मेरे खुद नहीं पता सोशल मीडिया चलाना, सही बोल रहे हो, चलाओ अच्छी बात है भाई, आज के टाइम पे पैसा कमाना है, ग्रोथ है, जिस ये तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर है। किसी मेरे हमेशा यह था कुछ ऐसा करके जाऊं कि भाई अगले मेरे मरने के बाद भी अगले 100 साल 200 साल तक जब तक पावर लिफ्टिंग रहे तो बेंच प्रेस में मेरा नाम लोग याद करें। तो बस ऊपर का हो जाता है कि मतलब टच भी नहीं कर रहा था। देखो क्या नाम से पैसा कम, पैसे तो सारी कमा ले रहे, कुछ ऐसा कर लो कि जिंदगी भर आपको याद करा जाए। अब मेरा एक ही फोकस था इक्विपमेंट लिफ्टिंग, इक्विपमेंट बेंच प्रेस का, उसी पे लगा हुआ। बहुत लोग आते हैं बहुत कुछ बोलते हैं, मैं किसी को कुछ मतलब किसी को प्रूव करने के लिए थोड़ी खेल रहा हूँ, मेरी अपनी। मैं जब छोटा था तो मैंने एक देखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतनी बेंच मार रही है जो आज तक मार नहीं पाया, ये मैं तेरे चैनल पर अपने तक चैनल पर अभी तक बताया नहीं है मैंने। तो देखो पहला इंडियन बन पाता हूँ नहीं बन पाता हूँ, 300+ वर्ल्ड में मार रहा हूँ। मास्टर भाई से इतना कुछ सीखा, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत ज़रूरी चीज़ थी, तो अपना ही मैं आज मार रहा हूँ। आज मेरा टारगेट नहीं था बट अब 200 तक जाऊँगा और कन्वेंशनल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही बॉडी था कि मैं कन्वेंशनल पिलर वो भी नहीं, 200 तक लगा के बेल्टलेस स्ट्रैपलेस
मार के छोड़ दूंगा। उसका फ्यू की अभी पूरी सेट करनी है। और टाइम कितना बज गया? आपको लग रहा है 10 बज गया होगा, 10:15 हो रहा है। बाहर तक जल्दी उतर के दिक्कत करेगा। दो पीआर जाता था कि यहाँ पे मारने में मारते थे लगाया था। मैं आज उतना थका हुआ, मैं भी 200 मार दूँ मजा आ जाए। ढाई पे तीन लगा कितना पड़ी होगी 200? बहुत ईजी किया ना, बेल्ट का कुछ नहीं। अब आज का शेक कंप्लीट करते हैं, जूता पहनता हूँ, भले बैक का एक्सरसाइज करते हैं। ये तो ऐसे ही फ्लॉप मार लिया। फक रीसेट है। बैक का तीन ही करना है, दो बाइसेप का करना है और एक ट्रैप का, तो सरस मार लूंगा। इसका एक और करता हूँ, एक्सरसाइज दिखाता है। तो आखिरी सेट है मेरा, 15 डाल लो 25 की प्लेट थी, 100 केजी, यहाँ 20 में 25 में 40 जैसी। और आखिरी सेट है मेरा, उसको लगाता हूँ पूरा सामने से। यहाँ पे मेरा बैक का एक्सरसाइज खत्म। दो एक्सरसाइज वैसे भी करनी है, पहले बार बार लोइंग लगाते हैं, उसके बाद फिर एक शर्ट खत्म। पहला एक्सरसाइज है मेरा बाइसेप का, बारबेल बाइसेप, इसका दो सेट लगा लिया। आखिरी सेट है 10 का, 10-10 है सेट। पता है 2 साल पहले जब यहीं पे मेरा वीडियो है बाइसेप मारते हुए, जब वो लगा रहा था, अभी लगा रहा हूँ तो अपने आप को देख के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। उस टाइम और अब टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही होता है, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखने मिलेगा। एक और सेट बाइसेप को लगाता हूँ, फिर शरक्स मारूंगा। तो अभी आखिरी सेट लगा रहा था हैमर, यहाँ देख रहा हूँ नीचे दिखा, छोटा डंबल ही नहीं है यहाँ, ये 20-25-30 छोटा डंबल ही नहीं है यहाँ, 10-15-20 का, बाप रे बाप, सब हेवी डंबल है यहाँ से, हेवी लोग ट्रेनिंग करते हैं। ये लास्ट था, बाइसेप का भी 2 हो गया। अब एक शरक्स लगाता हूँ, आज का एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो जाएगा। फिर गुरु जी को उनसे मिलते हैं, उनसे नमस्ते करते हैं, घर जाते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है शरक्स, इसका 2 सेट मार चुका हूँ, लास्ट सेट है। बस आज का एक्सरसाइज यहाँ खत्म, कुछ खाया पिया था नहीं, बॉडी ऐसी हो, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फटीक फील हो रही है। एक्सरसाइज खत्म, गुरु जी हो गया एक्सरसाइज चालू। तो भाई आज का ट्रेनिंग खत्म हुआ, गुरु जी मिल लिया, भास्कर भाई ने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई,
अब यहाँ से सीधे 11 तो बज चुका है, हम यहाँ से सीधे होटल चलते हैं, 11:30 हो गया सॉरी, हम यहाँ से सीधे होटल चलते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, चेंज करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।